अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी कंपनी वापस जाओ, हसदेव के जंगलों को उजाड़ना बंद करो, हसदेव के जंगलों को उजाड़ना बंद करो। हसदेव अरण्य में जल जंगल जमीन बचाने चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन को 440 दिन अब पूरे हो चुके हैं। आज हसदेव अरण्य में आवंटित सभी कोयला खदानों को निरस्त करने की मांग के साथ आदिवासी समुदाय पुनः सड़कों पर उतर आया और हरिहरपुर धरना स्थल से साली मोड़ तक हाथों में तिरंगा ले रैली निकाली। पिछले एक दशक से 1700 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल को कोयला खदान के नाम पर उजड़ने से बचाने यहाँ की ग्राम सभाएँ 5वीं अनुसूची के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में सतत संघर्षरत हैं। हसदेव क्षेत्र की ग्राम सभाओं के सतत विरोध के बावजूद पिछले वर्ष यहां नई परसा कोयला खदान और मौजूदा परसा ईस्ट केटे बासेन खदान को राज्य सरकार द्वारा जारी अंतिम वन स्वीकृति को निरस्त करने की मांग ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने लगातार वन स्वीकृति के लिए हुई फर्जी ग्राम सभा का विरोध भी किया है और दोषी प्रशासनिक अधिकारियों एवं अडानी कंपनी के कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग भी की है। इसी मांग को लेकर अक्टूबर 2021 में मदनपुर से रायपुर तक लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर फर्जी ग्राम सभा पर जाँच की मांग और बिना ग्राम सभा के हुए भूमि अधिग्रहण पर संज्ञान लेने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा था, जिस पर राज्यपाल द्वारा जांच के आदेश भी दिए गए थे। जांच के आदेश होने के बावजूद बिना किसी जांच के वन स्वीकृति का अंतिम आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हसदेव अरण्य पर रिपोर्ट भी जारी हुई, जिस पर हसदेव पर यदि खनन होता है तो आगामी समय में होने वाले पर्यावरणीय और वन्य जीवों पर दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसलिए यहाँ पर खदान की अनुमति नहीं दी जाने की मांग लगातार की जा रही है। विधानसभा में सर्वसहमति से हसदेव अरण्य की कोयला खदानें निरस्त करने आशास के संकल्प भी पारित हुआ। मार्च 2023 की विधानसभा सत्र की प्रश्नोत्तरी से यह स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल के आदेश और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी फर्जी ग्राम सभा की कोई जाँच नहीं हुई, बल्कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के ज्ञापन पर 2018 में एक बार इसकी जाँच की गई। इसके बाद कोई जाँच अब तक नहीं हुई। जांच में भी जिन सचिवों ने फर्जी प्रस्ताव लिखे उनसे ही बयान लेकर जांच रिपोर्ट बनाई गई। ऐसे कई विभिन्न मांगों को लेकर लगातार ग्रामीण संघर्षरत हैं। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के मुनेश्वर पोर्ते ने कहा कि सरकार जब तक परसा खदान की अंतिम वन स्वीकृति निरस्त नहीं करती आंदोलन ऐसे ही सतत जारी रहेगा और पुनः तीव्र होगा। इस बार हसदेव के आंदोलन का प्रभाव विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। वहीं हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक ईश्वर आर्मो का कहना है कि राज्यपाल के आदेश के बावजूद सरकार फर्जी ग्राम सभा की जांच से बच रही है। राज्य सरकार को तय करना होगा कि वे आदिवासियों के प्रति जवाबदेह है या अदानी के प्रति। खुशियों से झूमिए, मुस्कुराइए, खुशियों से भरी सौगात पाइए, मनोरंजन से भरी हसीन और रंगीन दुनिया में चले आए इंडियाज बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चले। अब आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड घड़ी चौक अंबिकापुर। समय शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अब हर शाम गुजरेगी मौज मस्ती एवं खान पान के साथ। भव्य शुभारंभ 12 मई 2023 से। रोमांच से भर देने वाले आधुनिक झूलों का स्वप्नलोक जो खींच ले अपनी ओर। मुंबई एक्सल वर्ल्ड झूलों का मजा लीजिए। टोरा टोरा, जॉइंट व्हील आकाश झूला, कूदने वाले बाउंसर, रेलगाड़ी, ड्रैगन ट्रेन, जंपर चक्री, सलाम्बो झूला, ब्रेक डांस झूला, मिनी ट्रेन, मिक्की माउस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाव झूला, एक से बढ़कर एक नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर पूरे परिवार की खुशियां समेट लाया है 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला। बस चले आए, आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड घड़ी चौक अंबिकापुर।